अगर सारे अनाज में अगर आप मुझे पूछो ना कि सर्वश्रेष्ठ अनाज कौन सा है, तो मैं कहूँगा चावल। तिलक लगाते हैं या पूजा करते हैं तो आप कोई दूसरे अन्न लाके नहीं करते। आप तिलक लगाते हैं तो कोई ज्वार बाजरा नहीं लगाते, यहाँ पे गेहूँ नहीं लगाते, आप चावल लगाते हो। और देखिए धर्म के अंदर कर्म कांड में चावल जोड़ने का पर्पस क्या होता है, तो चावल वजन बढ़ाता ना तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे लोग साउथ इंडिया में होते, सबसे ज़्यादा मोटे लोग चाइना में होते जो नहीं है, सबसे ज़्यादा मोटे लोग जापान में होते जो नहीं है वहाँ पे इतने मोटे, और सबसे ज़्यादा मोटे कहाँ पर है, अमेरिका में, यूरोप में। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक और बहुत बड़ा भ्रम जो चावल और आलू को लेकर है, मैं आज उसके ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों अधिकतर लोग समझते हैं कि चावल और आलू खाने से बीमारियां होती हैं या वजन बढ़ जाता है, इसलिए अधिकतर लोगों को आपने सुना होगा डायबिटीज़ हो गई है तो कहते हैं मैंने चावल खाना बंद कर दिया, मैंने आलू खाना बंद कर दिया। किसी का वज़न बढ़ गया है तो कहता है मैंने चावल खाना बंद कर दिया। और अक्सर नॉर्थ वाले लोग तो कहते हैं मैं चावल खाता ही नहीं जी, देखता भी नहीं जी, बहुत रेयरली खाता हूं। तो लोगों को चावल और आलू के बारे में ना बड़ा भ्रम है। दोस्तों अब आपको एक सिंपल सी बात क्या समझने मालूम है, अगर सारे अनाज में अगर आप मुझे पूछो ना कि सर्वश्रेष्ठ अनाज कौन सा है, तो मैं कहूँगा चावल। आप जानते हैं चावल की इस गुणवत्ता को हमारे ऋषि मुनियों ने पहचाना तो इसको अक्षत कहा गया। अक्षत का मतलब क्या, आप क्षत नहीं होता उसका, अक्षत इसका मतलब ये होता है ना। और आप जानते हैं कि पूजा पाठ में आप जब तिलक लगाते हैं या पूजा करते हैं तो आप कोई दूसरे अन्न लाके नहीं करते। आप तिलक लगाते हैं तो कोई ज्वार बाजरा नहीं लगाते, यहाँ पे गेहूँ नहीं लगाते, आप चावल लगाते हो। और देखिए धर्म के अंदर कर्म कांड में चावल जोड़ने का पर्पस क्या होता है, देखिए नारियल इसलिए जोड़ा कि लोग नारियल की आदत डालें, खाएं, इसलिए हर पूजा पाठ में नारियल को बीच में रखा गया, तो उसी तरह चावल को भी रखा गया। तो चावल जो है ना ये अन्न में सबसे सुपाच्य और जल्दी पचने वाला आहार माना जाता है। और इसका प्रॉब्लम कहाँ से हुआ कि जब तक ये रिफाइनमेंट नहीं हुआ था ना चावल का, तब तक चावल कभी प्रॉब्लम सम नहीं था। आज आप जानते हैं कि चावल जो है जब अनपॉलिश्ड रहता है, यानी कि जिसको आजकल ब्राउन राइस हम लोग कहते हैं, तो लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये डायबिटीज़ दूर करने वाला चावल है। दोस्तों मैं यहाँ पे दिल्ली से जब अमृतसर के रास्ते में जाते हैं ना, वहाँ बहुत सारी चावल की मील है, तो वहाँ पर रास्ते में दुकानें आती हैं तो वहाँ पर अनपॉलिश्ड राइस जो होता है ना उसके उसका जो बैग होता है उसके ऊपर क्या लिखा रहता मालूम है, डायबिटीज़ के लिए, यानी कि डायबिटिक राइस। तो ये डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जी। क्यों फ़ायदेमंद है भैया? भाई वाइट चावल खाने के कारण जो है हमारे बॉडी में फाइबर नहीं मिला, हमारे विटामिन मिनरल नहीं मिले, तो हमारी बीमारियां शुरू हो गई। तो अगर आप पूरा अन्न खाओ तो क्यों प्रॉब्लम होगी? तो अब यही चावल जो है ना और सुपाच्य बनाने के लिए साउथ इंडियन लोगों ने बड़ा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या कर दिया, चावल को जो है ना उन्होंने फर्मेंट कर दिया और इडली बना दी, डोसा बना दिया। क्यों? फर्मेंट होने के बाद वो और सुपाच्य हो जाता है। और ये तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन के अंदर इडली जो है वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू में सबसे पहले नंबर पर आती है, पता है आपको। तो चावल के बारे में जो आपकी जो दुश्मनी है ना, ये बेकार की दुश्मनी है। देखिए कभी कभार आप खाते हैं ना, तो आप कभी वाइट चावल खा भी लो ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कोई इतना डर के जीने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर आपके खाने में
दूसरे इंग्रेडिएंट फाइबर्स अच्छे हैं, यानी कि सलाद अच्छा है, अंकुरित दालें अच्छी है, फ्रूट्स अच्छा है जिसमें बीज भी है, छिलका भी है, तो फिर इस चावल से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको कभी सफ़ेद चावल खाना पड़ गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ब्राउन राइस हर जगह अवेलेबल नहीं होता, और हम आजकल जिस तरह इधर उधर जाना पड़ता है वहाँ पर आपके पसंद के चावल वहाँ मिलने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए आप चावल जो है अगर आप खाते भी हैं ना, तो आप उसका उसकी जो मांड है वो उबालने के बाद कभी ना निकालें। आप जानते हैं ना, राइस कुकर आ गए हैं, राइस कुकर में अगर आप चावल पकाते हैं तो वो चावल का पानी उसके अंदर ही रह जाना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना इसकी पिच निकाल देनी चाहिए, हम मांड निकाल देना चाहिए, देखिए कोई भी अन्न को या किसी भी चीज़ को कभी फ्रेगमेंट नहीं करना चाहिए, यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए, उसके अंदर के किसी भी चीज़ को अलग नहीं करना चाहिए। क्यों? वो उसके लिए उसी ढंग से कंबाइंड है, वो नेचुरल वे में उसका जो बैलेंस है ना वो कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो चावल जो है आप लोग आराम से खाइए। कई लोग कहते हैं कि चावल से हमें गैस बन जाती है, तो भाई गैस चावल से नहीं बनती, ध्यान रखना, गैस बनती है दाल छोले राजमा के कारण। दोस्तों कोई भी चावल या तो बेसन के साथ खाएगा, चने की दाल के साथ खाएगा, छोले के साथ खाएगा, राजमा के साथ खाएगा, तो गैस तो दालें करती ना भाई, चावल थोड़ी करता है। तो दोस्तों आप कोशिश ये करें कि चावल अधिकतर सब्जियों के साथ ज़्यादा खाइए। देखिए सबसे हल्की दाल मूंग की दाल होती है, तो उसके साथ खाने से फिर प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए लोग बीमारी में भी खिचड़ी खाते हैं। तो खिचड़ी का मतलब क्या है, वो हल्की दाल है तो उतनी गैस नहीं करती, तो लोगों को हल्की लगती है। तो आप चावल अगर खाना चाहें तो सब्जियों के साथ खाएं, जैसे साउथ इंडियन लोग खाते हैं, वो उनका सही तरीका है खाने का बता रहा हूँ। ये हम लोगों ने चावल को दाल के साथ इसलिए जोड़ लिया क्योंकि उसका पूर्ण प्रोटीन, अनाज से कभी पूर्ण प्रोटीन नहीं मिलता, इसलिए उसको कंबाइन करके खाने की कोशिश करनी पड़ती है। हालांकि आप मेवा खाते हो, नट्स और स्प्राउट्स नट्स खाते हो ना, तो आपको कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है, आपको कंबाइन करने की झंझट ही नहीं है। और ये झंझट क्यों आई, क्योंकि अनाज अपनाना पड़ा। तो कोशिश करें कि चावल के साथ अगर दाल खानी पड़े ना, तो दाल में ना सब्जियां बहुत सारी डाल दो, यानी कि जैसे आप सांभर खाते हैं ना, देखिए सांभर की प्रॉब्लम क्या मालूम है, उसमें इमली पड़ जाती है ना, खट्टा ज़्यादा पड़ जाता है तो प्रॉब्लम करता है, उसके कारण इनडाइजेशन होता है। अगर आप सब्जियों वाली दाल खाओ, जैसे पालक की मूंग की दाल होती है, या जैसे सांभर में बहुत सारी सब्जियां डाल दी जाती है, तो उससे दाल की जो एसिड अम्लता होती है ना वो कम हो जाती है, तो फिर वो चावल जो है ना उतना बड़ा प्रॉब्लम सब नहीं होता आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या समझना मालूम है कि चावल कभी भी वजन नहीं बढ़ाता। अगर दोस्तों चावल वजन बढ़ाता ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटे लोग साउथ इंडिया में होते, सबसे ज़्यादा मोटे लोग चाइना में होते जो नहीं है, सबसे ज़्यादा मोटे लोग जापान में होते जो नहीं है वहाँ पर इतने मोटे, और सबसे ज़्यादा मोटे कहाँ पर है, अमेरिका में, यूरोप में, यानी तो नॉर्थ इंडिया में। तो दोस्तों चावल का वजन बढ़ाने का कोई लेन देन नहीं है, बल्कि बीमारी में अगर सबसे हल्का खाना कोई होता ना तो वो चावल होता है। और आप चावल खाकर जो है ना अपना दिमाग बढ़ा सकते हो, बता रहा हूँ क्यों मालूम है, राइस इज ए ब्रेन फूड एंड व्हीट इज ए मस्कुलर फूड। दाल और रोटी डाल देना ये मस्कुलर फूड है, ये मेहनत करने वालों के लिए है, और जो दिमाग बढ़ाते हैं ना वो लोग चावल खाते हैं। इसलिए हिमाचल वाले, नेपाल वाले, चाइना वाले, जापान वाले, साउथ इंडिया वाले, कलकत्ता वाले, बंगाल वाले, ये सब लोग क्यों इंटेलिजेंट है जो दुनिया में माने जाते हैं, उसका कारण है राइस। तो दोस्तों राइस को कम मत समझो। मैं तो किसी भी अनाज के फेवर में नहीं हूँ, वैसे तो मेरे तो अनाज मैंने तो किताब ही लिख दी है, अनाज रोग कारक है, लेकिन अनाज में अगर आप बेटर चॉइस की बात करोगे ना, तो फिर मैं राइस की बात करूँगा, इसलिए मैंने राइस के ऊपर वीडियो बनाया है दोस्तों। और आलू जो है उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। आलू कभी वजन नहीं बढ़ाता क्योंकि वो अल्कलाइन स्टार्च है, और वो वेजिटेबल है, वो कैरेट की तरह है, वो गाजर मूली की तरह है, वो कंद है, उसमें कहीं पर भी वजन बढ़ाने का कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसका जो स्टार्च है वो तो आप बगैर कच्चा तो खाते नहीं हो, वो तो उबाल के खाते हो, उबाल देते तो शुगर में कन्वर्शन हो जाता है। तो आलू में ऐसा है क्या जो तुम्हारा वजन बढ़ा देगा? आलू का वजन किससे बढ़ता है मालूम है? तुम्हारे तलने के कारण, चिप्स बनाने के कारण, कटलेट बनाने के कारण। तो इसीलिए आलू जो है बल्कि खाने से वजन घटता है।
आप अगर कभी वजन घटाना है ना, आप रोटी दाल छोड़ दो और आलू पे आ जाओ, शकरकंद पे आ जाओ, आपका देखना धीरे धीरे आपका वजन डाउन होने लग जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखो ना, मेरी बात क्यों मानते हो आप। तो इस तरह से आलू के ऊपर भी जो आपकी गलत फहमी है ना, वो आप प्लीज़ दूर कर दें और मज़े से खाइए आप आलू। अगर आप आलू खा रहे हैं ना, तो आपको रोटी दाल और चावल की जरूरत ही नहीं है। क्यों? वो अपने आप में पूरा स्टार्च काफ़ी है बॉडी के लिए। तो इसीलिए आलू और चावल खाकर आपका वजन घटेगा, लेकिन वजन कभी बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना। इसलिए आलू और चावल के बारे में जो भ्रम है, वो प्लीज़ आप दूर कर दें और आप इसको आराम से अपनाएं और मज़ा लें इसका, ठीक है। तो चलिए, मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में और किसी विषय को लेकर।